बच्चों आज एक और नया क्वेश्चन लेके आए हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से, लेकिन इस बार पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन उठाया है मैंने, ठीक है। यह आ चुका है री एग्जाम 2016 में, जो जुलाई में होती है उसमें ऑलरेडी, ठीक है। और पार्शियल फ्रैक्शन एक फेवरेट टॉपिक है बोर्ड्स का, ठीक है। हर साल एक ना एक क्वेश्चन इससे होता ही है, ठीक है। और आता है तो हर साल मतलब आता ही, अल्टरनेट ईयर्स में आता ही आता ही, ठीक है। और ये पार्शियल फ्रैक्शन कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान टाइप का दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के लायक है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, 4 मार्क्स के लायक बिल्कुल नहीं है, 2 या 3 मार्क्स के लायक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा पूरा, ठीक है। चलिए और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, दिख रहा है। चलो क्वेश्चन बहुत आसान है, हमने पार्शियल फ्रैक्शन के मैंने आपको 4 से 5 टाइप मतलब बताए थे, ठीक है। उसमें कहा ये एक पहला वाला टाइप है, ठीक है, बहुत आसान नहीं है। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान देना मेरी बात पे। यहाँ आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यही से शुरू कर देते हो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो ये मेरा आंसर है। अब मैं आगे लिखूंगा नहीं, अब डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊंगा। यहाँ लिखूंगा x+1 / x+2, ठीक है, और यहाँ लिखूंगा x+3, ठीक है, इज इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, लिखना चाहो तो लिखो, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसा लिखना नहीं है वैसे, बोर्ड समझ जाता है, इनिशियली समझ जाता है, फिर भी हमें करना है, लिखना होगा तो लिखो, आपकी इच्छा, ठीक है, दैट इज योर विल, ठीक है। अब क्या करो, ये ए के साथ लिख लो, ये बी के साथ, ठीक है, इज इक्वल टू ए अपॉन x+2, ठीक है, प्लस बी अपॉन x+3, ठीक है। अब जो बच्चा पार्शियल फ्रैक्शन पहली बार देख रहा है ना, वो जरूर मेरा एक बार वो लेक्चर देखना जिसमें मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बताया है, ठीक है। सिर्फ 10-15 मिनट में मैंने स्टार्टिंग में पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, क्यों यूज होता है बताया है। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखे तब हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, और टाइप बताया है कि कौन सा टाइप आने में पार्शियल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो वो एक बार देखोगे तो ये भी आ जाएगा, वैसे आसान है। देखो यहाँ वैसे सॉल्व नहीं हो रहा था क्वेश्चन, तो हमने क्या किया, इसे ऐसे लिख लिया, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ से आया इसके बारे में मत सोचना, सिर्फ आप क्वेश्चन देखो, ठीक है। अगर आपको जानना है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कि पार्शियल फ्रैक्शन क्यों वैलिड है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ हम ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, ठीक है, x+2 x+3 अलग अलग कर देंगे, ठीक है। ए की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपको यह दिख रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो x+1, देखो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए लंबा है, वैसे है नहीं, ठीक है। x+2 x+3 एक बार आप सीख जाओ, चुटकियों में निपटा दोगे, ठीक है। ए इन ब्रैकेट x+3 प्लस बी इन ब्रैकेट x+2, ठीक है, यहाँ आएगा x+2 x+3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, ठीक है सर। तो यहाँ देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सेम टू सेम है इसलिए, ठीक है। तो आपका जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो एक्चुअली है x+1 = a (x+3) a (x+3) प्लस बी इन ब्रैकेट x+2, ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल। अब इस इक्वेशन में बेटा कुछ ऐसी वैल्यूज डालनी है जिससे एक बार में a मिले एक बार में b मिले, और साथ में एक बार a को जीरो करना है एक बार b को जीरो करना है, ये मुझे बताना है आपको मेनली। मैं चाहता हूं कि एक बार आप a को जीरो करो एक बार आप b को जीरो करो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर एक काम करो ना, फिर एक बार 3 को -3 डाल दो तो ये जीरो हो जाएगा, 2 के साथ जो x है वहां -2 डालो जिससे वो जीरो, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, आप ए पहले निकालना चाहते हो या बी, तो मैं पहले ए निकाल रहा हूँ, इसलिए मैं पुट x = -2 कर रहा हूँ जिससे कि ये जीरो बन जाएगा, -2 + 2 यहाँ जीरो बन जाएगा, तो 0 × b = 0 ये टर्म गया, ठीक है। तो यहाँ -2 + 1 जितने भी x है, ठीक है, a (-2 + 3) यहाँ प्लस b (-2 + 2), ठीक है। तो यहाँ मैं डायरेक्टली 0 लिखूँ क्या, चलो कर लेता पूरा, -1 = a, -1 + 3 हो गया 1, तो ये पॉजिटिव का 1, और ये प्लस क्या हो गया b (0, 0), तो ये देखो ये a (-1) आ गया आपका, ठीक है। आपका आंसर ऐसे क्या आ गया, a (-1), ठीक है, चलो आ गया। देखो क्योंकि a (1) तो a हो जाता, प्लस 0 से कोई लेना देना नहीं, तो ये आ गया -1, ठीक है। तब b, a और b की वैल्यू निकालना मुश्किल है इसमें, बाकी क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, ठीक है, डरना मत। तो अब देखो यहाँ -2 डालो, आप सोचोगे a की वैल्यू डालूंगा, लेकिन x की वैल्यू कुछ डालना ही पड़ेगा ना, तो उससे अच्छा है x की वैल्यू -3 डालो जिससे कि डायरेक्ट ये a 0 बन जाए, b आ जाएगा, ठीक है। तो पुट x = -3, ठीक है, तो x = -3 जब डालोगे आप बेटा, तो यहाँ आपके लिए ये वाला जो x है ये -3 + 3 जीरो हो जाएगा, मतलब ये a 0, तो -3 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट -3 + 3, ठीक है, प्लस
बी इन ब्रैकेट माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू, ठीक है। अब मेरी बात पे ध्यान देना, यहाँ माइनस थ्री प्लस वन हो गया माइनस टू, ये हो गया जीरो, जीरो इंटू ए जीरो, प्लस बी इंटू माइनस थ्री प्लस टू क्या हो जाएगा बेटा, बी इंटू माइनस वन, ठीक है। तो ये माइनस वन हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस बी, क्या आ जाएगा बेटा, माइनस बी, ठीक है। तो ये माइनस माइनस दोनों साइड का कैंसिल, तो बी आ गया आपका टू, बी क्या आ गया आपका टू, बिल्कुल समझ रहे हो मेरी बात, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे बेटा, आप एक बार रिवाइज करना अगर आप पहली बार पार्शियल फ्रैक्शन देख रहे हो तो, और वो लेक्चर प्लीज देखना, मेरा रिकमेंडेशन है, मेरा देखो किसी और का देखो, लेकिन स्टार्टिंग मुझे पता है मैंने क्या पढ़ा है, इसलिए मैं खुद का बताता हूँ, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग में 10-15 मिनट मैंने वही बात की है, तो वो आप समझ जाओगे, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। क्वेश्चन लंबा जा रहा है मुझे पता है, लेकिन ये क्वेश्चन होती है ऐसे, ठीक है, उसमें कोई नहीं, और समझाना बहुत बड़ा चैलेंज है, आपको अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। एक्स प्लस वन, ठीक है, उसके जगह ए प्लस बी लिखोगे आप तो ये टर्म लिखोगे आप, ए क्या है बेटा, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, यहाँ मैं लिखूंगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, मतलब ये जो टर्म है, ये जो पूरी टर्म है, ठीक है, ये जो पूरी टर्म है इसकी जगह मैं ये लिखूंगा, ठीक है, ये पूरी टर्म है ना, इसकी जगह मैं ये वाली टर्म लिखूंगा, ठीक है, ठीक है। तो ये एक्स प्लस टू, ठीक है, बीच में प्लस, बी की वैल्यू क्या है बेटा, टू अपॉन एक्स प्लस थ्री, टू अपॉन एक्स प्लस थ्री, ठीक है, यहाँ हो गया बेटा dx, यहाँ क्या हो गया बेटा dx, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर होगी बात है, ये थोड़ा सा छोटा करने जा रहा हूँ, थोड़ी सी आपको आंखों को तकलीफ होगी, थोड़ा सा आपकी आंखों को दिक्कत होगी, लेकिन समझ लो, ठीक है, जगह कम पड़ेगी वरना, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इंटीग्रेशन बांट दो, माइनस कॉम बाहर आ गया, कॉन्स्टेंट है तो एक्स प्लस टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टू अपॉन एक्स प्लस थ्री डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ देखना क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ क्या हो गया, माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस टू, माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस टू, ठीक है, यहाँ प्लस टू लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री, प्लस टू लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री, और यहाँ हो गया प्लस सी, ठीक है, लस सी नहीं बोला मैंने, प्लस सी बोला, ठीक है, चलो एक्स प्लस थ्री प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है बेटा, यहाँ से समझ लो, बस यहाँ सेपरेट किया मैंने, डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया, बताने के लिए दो मिनट में बता सकता था, लेकिन चाहता था कि आपके दिल में उतर जाए क्वेश्चन, इसलिए समय लगा। नोट कीजिए वन टू एंड थ्री, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन मैंने करा दिया है, आगे और ऐसे आईएमपी क्वेश्चन लाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे सब, आप हम सब, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले लेक्चर में।